गए बुला? हाँ बूढ़े बाबा। जल्दी घर चलो, इतने अंधेरे में बाहर घूमना अच्छी बात नहीं। राजकुमारी वहाँ बैठी है। अरे इंदु, इतने चाव से क्या पढ़ रही हो? अभी दोस्तों, मैंने तो तुम सबको आते देखा ही नहीं। ये देखो, बर्फ से ढके पहाड़, सुंदर मंदिर, मकबरे और बौद्ध आश्रम। सच में कितनी सुंदर जगह लग रही है। गरम कपड़े और सामान बांध लो सभी, हम कश्मीर की सैर करेंगे। बापरे, बांस से इतनी सारी चीजें बन सकती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। कहीं रुक कर खाना खा ले, बहुत भूख लगी है। लो जी, तैयार हो गए आप सबके पराठे। ला ला। पहुंच गए कश्मीर। बस समझ में ये नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। वाकई में कश्मीर का हर एक नज़ारा एक से बढ़कर एक है। मेरा नाम आसमा है और मैं यहाँ डल झील में फूल बेचती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई आसमा, हम सब ढोलकपुर से आए हैं। हमारे कश्मीर में आप सबका स्वागत है। क्या आप सब पहली बार कश्मीर आए हैं? हाँ, और हम चाहते हैं कि हमारा ये सफर यादगार रहे। तुम बहुत ही खूबसूरत हो, क्या तुम हमारी गाइड बनोगी आसमा? हाँ। वाह, तो सबसे पहले हमें तुम्हारी जैसी सुंदर पोशाक दिलाओ। कश्मीरी पोशाक आप दोनों पर बड़ी जच रही है। और हम कैसे दिख रहे हैं? बहुत अच्छे। वैसे ये रात का उत्सव है क्या है? शिवरात्रि यहाँ का बहुत ही प्रमुख त्योहार है, पूरे 2 सप्ताह तक चलता है। खूब गाजे बाजे के साथ मनाया जाता है। नए कपड़े मिलते हैं और मजेदार पकवान बनते हैं। पकवान कहा नहीं कि भूख लग गई। ठीक है ठीक है, तो फिर पहले पेट पूजा, कश्मीर दर्शन होगा दूजा। वाह क्या नजारा है। मुझे बर्फ पे फिसलना तो अच्छा लगता है, पर ऐसे ढलान पे? घबराओ मत जग्गू, यहाँ अलग अलग ऊंचाई के कई सारे ढलान हैं और स्कीइंग में सबकी मदद करने के लिए प्रशिक्षक भी हैं। अरे उस्ताद, वो देखो। कालिया संभालो। शुक्र है कि भीम आ गया, पता नहीं वो चीता हम पर ही क्यों लपका, है ना आसमा? हाँ? ये तीनों कभी नहीं सुधरने वाले। ना सुधरे तो ही मजा है। आसमा क्या हो गया तुम्हें? मुझे माफ कीजिए, मुझे जाना ही होगा। चलो भीम, शायद उसका यहाँ रुकने का मन नहीं था। कालिया सुनो, महाराज और बाकी सभी को फौरन उस बड़े पत्थर के पीछे ले जाओ। और रुक जाओ भीम, क्या कर रही हो तुम? हाँ, उसके गले की वो माला। भीम कहाँ है? इस नुकीले पत्थर से उस चीते को ऐसा मारूंगा ना। नहीं राजू रुको। मगर क्यों चुटकी? भीम उसे मारना मत, हो सके तो उसे किसी तरह पिंजरे में डाल दो। आ, 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 आ,
कई साल पहले एक ऋषि ने हमारे परिवार को श्राप दिया था क्योंकि मेरे परदादा ने उनकी निंदा की थी। मैं श्राप देता हूँ कि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी हर पूर्णिमा की रात खूंखार विपिन का रूप लेकर घूमोगे। पर मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी हर पूर्णमासी के दिन मैं एक खूंखार जानवर बन जाती हूँ। पर कहानी में तो श्राप हटाने का कोई ना कोई तो उपाय होता ही है। हाँ, कोशिश करके देखने में कोई हर्ज नहीं। राजू की बात में दम है। हमें पता करना होगा उस ऋषि के बारे में जिसने श्राप दिया था। क्या तुम्हें उस ऋषि का नाम याद है? हाँ, गुरु कश्यप। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मुझसे मदद लेने आए हो क्या? जी गुरुजी, हमारी दोस्त के लिए। ओ, द्विपिन, ये आप क्या कह रहे हैं? इस बच्ची पर द्विपिन का श्राप लगा है जो पूनम की रात इस पर असर करता है। आपने बिल्कुल सही कहा गुरुजी। क्या इस श्राप से बचने का कोई उपाय है? है, ल्योदोर का वृक्ष, मगर उस तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं। आप बस हमें राह बता दीजिए गुरुजी, हम वो पेड़ ढूंढ कर ही दम लेंगे। बल और बहादुरी चाहिए, पर बुद्धि की भी जरूरत पड़ेगी। ल्योदोर का वृक्ष किलगिट वन के अंदर एक गुप्त स्थान पर है। भीम, भीम, ये देखो। आपका इनाम। मैं ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो कश्मीर में हमने काफी कुछ किया है ना भीम? हाँ। सबसे मजेदार चीज तो आप लोगों ने अब तक नहीं की। वो क्या? बर्फ से खेलना। भीम, आगे रास्ता बंद है, ये गाड़ी इससे आगे नहीं जा सकती। बहुत खूबसूरत लग रही है, मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ। इजिप्ट की मम्मी जैसे दिख रहे हो। नाचेंगे, गाएंगे मिलके, बर्फ में
लग रहा होगा कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी। ये कौन है? इसको परेशान करती हूँ, मजा आएगा। मुझे जल्दी जाता है। मुझे दो ना, मुझे दो ना। मुझे दो डब्बे ना। स्पेशल इंतजार कर रही है। एक डब्बा मुझे दे दो, मुझे दे दो। एक डब्बा मुझे दे दो, मुझे जल्दी जाता है। मुझे दो ना। बड़ी मुश्किल से मिले, अब चलो जल्दी। चुटकी, तुम बताओ तुम्हें किससे डर लगता है? मुझे ये रेंगने वाले कीड़े, केचुए और हाँ सांप से तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात में जब दीवार पर परछाइयाँ पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कोई भूत चुड़ैल है। ओहो, इसमें डरने की क्या बात है? एक कालिया तू बता, तुझे किसका डर है? हाँ? मैं शेर हूँ, शेर किसी से नहीं डरता। और हम भी किसी से नहीं डरते। क्या? हाँ, बस कालिया उस्ताद से डर लगता है। के काम आ सकता है। मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना होगा। ओए हुफ पुफ, रुको, चेले उस्ताद को छोड़कर नहीं जाते। लगता है कालिया खजाना ढूंढने में काफी जोर लगा रहा है। कालिया, जब तुमने पानी अपने हाथ में लिया, जान तुम्हारे हाथों में उतर आया था ना? मतलब आज रात को हाथ में पानी लूंगा तो मेरे पास खजाना आएगा? नहीं कालिया, जब हाथ में पानी होता है तो चांद का बिंब हाथों में उतर आता है। उसी तरह जहाँ धरती में पानी होता है, वही धरती पर चांद उतर आएगा, है ना? कमाल है चुटकी, तुमने पहली बुझा दी। पानी तो हर जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? मेरे जानवर दोस्त कहते हैं कि सितारा सरोवर में चांद का बिंब सबसे मनोहर दिखता है। मतलब वो मनोहर चाचा नहीं। तो फिर तय है, हम सितारा सरोवर जाकर खजाना ढूंढेंगे। पर वहाँ जाना आसान नहीं। कालिया, अगर काम आसान हो तो फिर करने में क्या मजा। चलो अब। चलो भीम की मदद करते हैं। अरे निकम्मो, क्या कर रहे हो? मिट्टी दूर फेंको, दूर। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। अरे
पहलवान का जवाब नहीं। खजाना पाने की खुशी में मेरा प्यारा झाड़ू खराब हो गया है। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। अब हमें रात तक रुकना होगा ना, चांद का बिंब देखने के लिए। तब तक कुछ खा नहीं सकते ना। उस खजाने को कोई नहीं ले सकता, उसे सिर्फ जीता जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? शक्तिशाली और बुद्धिमान ही इस खजाने का हकदार है। तो पहले तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास एक मिनट है, अपने दोस्तों को बचा कर दिखाओ। अगर एक मिनट में इन्हें बचा नहीं पाए तो तुम्हारे दोस्त यहीं गुफा में ही रह जाएंगे। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर दो और फिर खजाना तुम्हारा। पूछिए। तो सुनो, पूर्णिमा का चांद आसमान में रहते हुए भी कुछ मिनटों के लिए गायब हो जाता है, ये कब होता है? बताओ 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 बताओ। चंद्र ग्रहण के समय। बहुत अच्छे। अब दूसरा प्रश्न, तारा मंडल में सबसे विशिष्ट मंडल कौन सा है? सप्तर्षि मंडल। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तुम बच्चे शक्तिशाली हो और समझदार भी, इसलिए इस खजाने के हकदार तुम हो। मेरी झाड़ू। चलो अब खजाना जाकर देखें। एक दो तीन चलो।
चॉकलेटी पत्थर, चॉकलेटी पहाड़। मुझे मुझे यही रहना है और कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। अजीब सा भैंसा है, दो नहीं एक ही सिंह है, वो भी सिर पर नहीं। अरे बेवकूफो, वो भैंसा नहीं दरियाई घोड़ा है। हिप्पोपोटामस। कोई बात नहीं है। ये कंगारू क्या गजब कूदता है, ऐसा लगता है पैर में स्प्रिंग फिट हो रखे हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हम भी कूद लेंगे। माँ, तुमने राजू को देखा क्या? हाँ, उस तरफ गया है। जब से उसे वो रंगीन पहेली मिली है तब से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। वो देखो, वो रहा राजू। क्या हुआ भीम? वही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। ओ चाचा, क्या हुआ, सब इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं? क्या बताएं भीम, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक खूब बड़ा जहाज तट पर आ टिका है, कुछ अजूब सा होता सुना तो उसी तरफ जा रहे हैं देखने। हमें जाकर देखना होगा भीम। हाँ चलो दोस्तों। अभी चाचा जी, आप यहाँ? मैंने इस जहाज के बारे में सुना तो दौड़ा चला आया। ये लो, रबर के दस्ताने और जूते, ये इन लहरों को रोकने में तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद। ये सब तुम्हारा खेल था? हाँ, हम इस जहाज को उस तट पर टिका देते हैं जहाँ गांव बसते हैं, फिर सब नष्ट करके उनका कीमती सामान लूट लेते हैं, पर आज तक कोई भी हमारी इस योजना को भेद नहीं सका। वो इसलिए क्योंकि आज तक तुम्हारा पाला भीम से जो नहीं पड़ा। अच्छा, सिर्फ भीम से? छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा
चाचा जी, मैं आपकी बाल्टी भर दूं? धन्यवाद बेटा। भीम सिर्फ पानी भर के खुद को हीरो समझता है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। देखो ढोलू बोलू, मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। ये देखो, मैं ये पानी अब कहीं पे भी पहुँचा सकता हूँ। मेरे पानी को कहीं पे भी पहुँचा दोगे चोर? नहीं नहीं, मैं तो बस आपकी मदद। देखिए मैं कितना शक्तिशाली हूँ। भाभा, मुझे डरा रहे हो क्या? इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। अब मेरा पानी वापस भर के ला, वरना। अभी अभी लाया। क्यों कालिया, कमर टूटी नहीं अब तक? राजू, मैं तुम्हें